राजधानी दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में एक साथ एक राज्य स्तर की मॉक ड्रिल की गई। कई लोगों का सवाल होता है कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है। हम आपको बताते हैं, यह समय समय पर इसलिए की जाती है ताकि यह आकलन किया जा सके कि दिल्ली में यदि किसी तरह की कोई आपात स्थिति अचानक से होती है तो सभी सरकारी एजेंसियां कितनी तैयार हैं। ये ड्रिल पूरी दिल्ली में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर की गई। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में भी करीब 4 से 5 जगह ये ड्रिल, जिसमें मंगोलपुरी का संजय गांधी अस्पताल भी शामिल है। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली में 7.1 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें पूरी दिल्ली में जगह जगह काफी इमारत गिरी। सबसे पहले पुलिस डिजास्टर की टीम और दमकल विभाग, कैट्स, एम्बुलेंस आदि मौके पर पहुंची, जहां सबसे पहले फायर कर्मियों दो तीन लोगों को रेस्क्यू किया और फिर दो लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां पूरे लाभ लश्कर के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर आई और अपने तमाम उपकरणों की मदद से उन्होंने बाकी बचे दो लोगों को भी निकाल लिया और अस्पताल पहुंचाया। कमांडर हो, हमें 10:10 पर स्टेजिंग एरिया में ये सूचना मिली कि 7.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है और कैजुअल्टीज रिपोर्ट की गई हैं और रबल वगैरह है और सीलिंग गिरी है संजय गांधी हॉस्पिटल के ओल्ड बिल्डिंग के किचन एरिया में। तो हमारी टीम जो है वो रश हुई वहाँ से और हम यहाँ अपनी साइट पर 10:30 पहुँचे। इसके बाद में हमने आकर यहाँ नोटिस किया कि आईजीएल की टीम यहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी, उन्होंने गैस चैम्बर वगैरह में सारी सप्लाई वगैरह बंद कर दी थी और दिल्ली फायर सर्विस से यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी, उन्होंने इनिशियली रेस्क्यू कर लिया था। 6 विक्टिम्स जो थे, 6 बॉडीज उन्होंने निकाली थी, जिसमें से एक ब्लैक था मींस डेड, 3 येलो थे और इसके अलावा उन्होंने एक ग्रीन निकाला था, मतलब जिसको फर्स्ट एड देकर उसकी ज़रूरत थी, और एक रेड था। तो 6 थे। उसके अलावा हमने वहां पर इंस्पेक्ट किया तो हमें लगा कि 2 और बॉडीज हैं, जिसके बाद कई सरकारी एजेंसी मौके पर राहत और बचाव कार्य में भाग लिया, जैसे दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर कर्मी, एमसीडी, क्यूआरटी, कैट्स, एम्बुलेंस, टाटा पावर, डॉक्टर और आईजीएल आदि तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची। ऐसी तैयारियां समय समय पर की जाती हैं ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति के अंदर उसको कैसे निपटाया जा सके, इसकी तैयारियां समय समय पर डिपार्टमेंट करता रहता है ताकि असल में ऐसी आपातकालीन स्थिति होने पर समय रहते संभाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।